बात की बात क्या ही बताऊं मैं आपसे। तो अपने महरारू के बिना पहना पाएगा बाबू जैसन जैसन साड़ी रख लेगी। नहीं तुम तो छठ में पहनने के लिए प्रेम बड़ी चट है। प्रेम का करतूत है बताती हूँ मैं। दे दिया यार हमने थोड़ा सा थोड़ा। अरे बाबू। हेलो माय यूट्यूब फैमिली सबका मेरा प्रणाम नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। वेलकम है आप सभी का गांव की गोरी अंजलि चौहान के चैनल में स्वागत है। मैं ये बोल रही थी कि आप लोग के यहाँ भी रात में काजल लगता है? मैं तो पूरा हटा के सोई थी फिर भी थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है। अरे यार ये रंगोली कौन बिगाड़ा है? ये देखिए ये सब प्रेम का करतूत है बताती हूँ मैं। रंगोलिया कौन बिगाड़ा है? ए प्रेम इधर आओगे? रंगोलिया कौन बिगाड़ा है? रिंग लाइट मेरा खराब हो गया था तो मैं उतना फोटो वगैरह ले नहीं पाई, वीडियो नहीं बना पाई और सुबह में देख रही हूँ तो ये लिपा पोती कर दिया पूरा। अपने भाई को समझा दिया करो, सुनो अपने भाई को समझा दिया करो नहीं तो पकड़ के तुम्हारा इसे छुट्टे कर देगा। इसे हंस रही हो? हंसी आ रहा तुमको? आप सभी को मेरे और मेरी पूरी फैमिली के तरफ से हैप्पी गोवर्धन पूजा। तो ये देखिए फ्रेंड्स आज है गोवर्धन पूजा और गोवर्धन पूजा वाले दिन बनता है हमारे यहाँ पीठा, ये दाल वाला, फिर ये गोली गोली कटोरी, फिर ये चिरई। हाँ और इतना बन चुका है, वाह। आप लोग के यहाँ भी बनता है और यहाँ पे भाभी भर रही है अभी। फिर भी इसको क्या बोलते भाभी बताइए भाई? दाल पीठा। और ये फ्रेंड्स जब ये बनता है ना तो सबसे पहले लड़की को खिलाया जाता है। पहले तो अम्मा मुझे खिलाती थी, बिस्तर पे हम लोग सोए रहते थे बिना ब्रश व्रश के खिला देती थी और मैं तो अभी सो के उठ मेरे सोए से नहीं खाया जाएगा बिना ब्रश किए। तो प्रीत को खिलाया जा रहा है। लड़की को क्यों खिलाया जाता है अम्मा? लड़की के खिलाने से अच्छा होता है ना। अच्छा होता है, लड़कों को नहीं पहले खिलाया जाता है, लड़को लड़की को खिलाया जाता है, लड़की खाती है। और कितने बजे हर साल बना देती हो? 2 बजे। हाँ 2 बजे रात में उठ के हर साल बना देती, लेकिन गैस खत्म हो गया था लकड़ी देखी। नहीं 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 अरे बाबू बिना ब्रश के हर साल खिला देती है यार हमने थोड़ा सा थोड़ा। अरे बाबू हम बिना ब्रश के लिए कैसे खाए? बिना ब्रश के लिए बिछौना पर हम लोग खिलाते हैं तभी अच्छा है। लड़कन के नहीं खिलाते हैं, बस लड़की लोग कुछ बिना ब्रश के। गैस भी भर के आ गया फ्रेंड्स, भर के नहीं खरीद के पता नहीं। लोग ऐसे करते टाइम मुझे एक चीज याद आती है कि लोग कटिया नहीं लगाते, कटिया लगा के मछली मारते हैं ऐसे। मछली क्यों पंगा? मछली मारे हो तुम? नहीं हम मारे हैं, कभी छोटे से थे तो देखे थे नानी के वहां। तो ये रहा फ्रेंड्स, तो ये रहा गोवर्धन का प्रसाद। प्रसाद फ्रेंड्स ये लड़की आई है मेरे से मिलने के लिए और जब से आई है तब से डांस ही कर रही है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है हमसे मिलने के लिए आई है कि डांस करने के लिए आई है। ठीक है हाय देखो। हेलो हाय। मुझे लगा कपड़ा है, ड्रेस है वो छठ में पहनने के लिए। फ्रेंड मुझे ये लग रहा था कि मेरा वो अम्ब्रेला सूट आ गया ब्लू कलर का। आइए देखते हैं। मैं आई या कॉम्पैक्ट होगा या हाइलाइटर, दो चीज मैंने मंगाया था। अगर कुछ और आ जाएगा तो हम बेहोश हो जाएंगे क्योंकि मैं तुम्हें तो नजर लगा देते हो। मेरा बेआ और ये फ्रेंड बहुत महंगा आता है। इसका प्राइस है आपका 4,700। पूजा कहाँ से निकल रहा है?
तो फ्रेंड्स ये मेरा प्रोडक्ट देख के मुझे कुछ चीज कुछ बात याद आई है, मैं आप सबसे बताना चाहती हूँ, आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैं जब सूरत में गई थी तो इससे कई ज्यादा महंगा महंगा वो सूरत वाली ये लोग महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज करते हैं, हम तो नहीं कभी इतना महंगा यूज करते थे, लेकिन अभी दो से तीन बार से यूज कर रही हूँ मैं। तो एक बार मुझे ऐसे किसी ने बताया कोई पार्लर वाली, क्योंकि फेस वॉश में मेरे बहुत पिंपल्स आ रहे थे क्योंकि मैं धूप में वीडियो बनाती हूँ जैसा कि आप सबको भी पता है, और मेकअप करके बनाना पड़ता है और क्या होता है। तो ये बोली पार्लर वाली कुछ लोग कि थोड़ा अच्छे प्रोडक्ट यूज करो जिसकी वजह से आपका फेस जल्दी मतलब खराब नहीं होगा। मेकअप करने से तो फेस बहुत जल्दी खराब हो जाता है, लोग बताते हैं, पिंपल्स वगैरह बहुत ज्यादा आने लगते हैं। तो हम बोले ठीक है आप लोग बताइएगा। तो मुझे मैं इससे पूछी, सूरत वाली के पास फोन की, मैं पूछी कि मैम जरा आप मुझे बता देंगी क्या मेरे फेस पे कौन सा सेट जाएगा, और इस पे नायका पे मैं बहुत ज्यादा महंगा मिल रहा है, कहीं मेरे से मिस्टेक हो गया, मैं मंगाऊं कुछ और आ जाए कुछ और तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, ये सब चीजें जल्दी वापस होती भी नहीं है। तो मैं उससे पूछी तो वो क्या बोल रही थी पता है, किसी और से ऐसे शिकायत कर रही थी मेरी कि अरे वो मेरे से इसलिए पूछ रही थी कि हम उसको खरीद के दे देंगे, अपने तो खरीद नहीं पाएगी, उसकी हैसियत औकात ही नहीं है। बहन तुमको दिखाऊंगी मैं, देखो औकात की बात क्या ही बताऊं मैं आपसे। देखिए अगर मेरी औकात नहीं होती तो आप मेरे पास नहीं आती, फॉलो तो आप ही ने किया था पहले मुझे, फिर मैंने आपको फॉलो बैक दिया, फिर उसके बाद आप मेरे पास बहुत सारे गिफ्ट वगैरह भेजी, लालच जो कहते हैं कि पहले क्या होता है कि पहले आप लोगों को गिफ्ट भेजती हैं महंगे महंगे, फिर उसके बदले अपने एल्बम अपने मूवीज का प्रमोशन कराती हैं, फिर उनके उनसे मिलती हैं, फिर उनके साथ वीडियो बनाती हैं, फिर उनके साथ कोलैब करती हैं। हाँ यूपी में तो कोई जान नहीं रहा था आपको, यूपी में मेरी वजह से, और एक जो वो एक और है जो क्या नाम है उनका, चलिए छोड़िए उनकी बात, आप मेरी बात कीजिए, मैं अपनी बात करती हूँ। तो बिना औकात के नहीं आई थी आप मेरे पास, मेरी औकात देख के ही मेरे पास आई थी। ये है कुछ मिठाई जो कि कल एक हमारे दोस्त देकर गए थे मुझे, और एक दादी है मुझे बहुत मानती है और वो मुझे मेरे से शिकायत कर रही है कि मैंने उनको कुछ खिलाया है। हमारी लड़की की आ रही है खुशी आगे राह बढ़ाइएगा, आगे रास्ते बढ़ाइएगा पीछे हम आपके हाथ जोड़ के खुशी कर रहे हैं, हमारी बेटी के सपोर्ट करिए आप लोग खाए हैं, आप लोग बताइए पहले आप लोगों को मिठाई में कौन सी मिठाई पसंद है। मुझे तो जो पसंद है वो एक मेरे दोस्त मुझे लाकर दिए, वो भी बहुत ज्यादा है, काजू कतली अच्छा तो कल खिला दे तो फिर देंगे। हाँ डेली आता है क्या बताना जरा, एक और बात भाभी को मैं खेले बड़ी तुम अपने लिए कह रही हो ना फ्रेंड, बड़ी चटनी है देंगे, पकड़िए जल्दी पकड़िए जल्दी सॉरी सॉरी आजा पूजा पूरा उस मिठाई में ले लो एक 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 फ्रेंड बहुत अच्छा लगता है, जल्दी मिलता नहीं हमारे यहाँ रिश्तों में, रुके मिलते हैं आप लोग से देखिएगा। आप मिठाइयाँ खा लिया ना पहले तब चाय पिए तब इसलिए आपको चावा फीका लग रहा है, तो चाय मीठा है, मीठा खाने बाद चाय पियेंगी तो मीठा लगेगा ही नहीं, नहीं फ्रेंड नहीं हिस्सा नहीं, एक एक ही निकाल के दीजिए आप लोग। फ्रेंड आप लोग नाराज मत होइएगा मिठाई के लिए मैं वो कर रही हूँ, मैं सारा मिठाई खिला दूंगी इसे, इसकी जगह कोई भी मिठाई का सब दे दूंगी, लेकिन काजू कतली छोड़ के दो जी निकाल लो अपने, तुम देखो रात में भी दो तीन खाई थी, झूठ बोलेंगी दो तीन खाई थे, अच्छा ठीक है एक खाई ले लो फ्रेंड, आप लोग मुझे गलत मत बोलिएगा। एक तुमको खा के बोल रही हूँ, एक तुम खा लो बाकी मैं मुझे पंगा सपोर्ट मी, मेरा मिठाई छिनवा दो आप मिठाई खाती नहीं इसका, आप तो मीठा खाती नहीं तब तो है मिठाई मिले चिल्ला रही है तो। अच्छा मैं काजू कतली नहीं खाती हूँ, आप मीठा नहीं खाती कभी ला के दिए हो मुझे, कभी ला के दिए हो मुझे, खाती नहीं घर आजा मिठाई जगह छोड़ी पकौड़ी खा ली पकौड़ी लाल चाय, फिर मुझे लाल चाय भी अच्छी लगती है, दूध वाले से ज्यादा पसंद मुझे लाल चाय है, और ये है पकौड़ी, बाप रे कहाँ से पत्ता आया है,
हम चले गए सामने वाले के वहाँ मिठाई देने। आई बैठ के सब चाप ली सब मेरा पूरा पापड़ पकौड़ी चाय ले दाल लेके आ छत पर जल्दी से। अरे तुम तो कहा चिढ़ा रही थी मुझे, बड़ी कुत्ती चीज हो तुम, सच्ची बता रहा। कह रही है लोग खत्म हो गया, इतना ही हम छीन के लेके भाग रहे हैं, बस कहाँ बाटे है। हम झूठा भी नहीं खाएंगे, इनके मेरा क्या गोलक मार लेके आइए। अरे खा ले लीजिए, होगा तभी तो नहीं खाएंगे। नहीं तुम तो ला लो, दो दो खा। मैं सही बता जा खा लो ना। नहीं नहीं ठीक बड़ा जा, क्यों लेके आ गए तो हम मुंह आप फेंक दें। ला रहे क्या ये देखिए, अब कहाँ से आ गए। तुम तो कह रही थी कि खत्म हो गया है, तुम खा रहे थे। हाँ झूठा था इसीलिए बोल दिए खत्म हो गया। अच्छा ये पापड़ बाप रे, इतना खाएंगे तो हम कहाँ खाएंगे। आइए जनाब, कहाँ जा रहे हैं आप। आपको ऐसे तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, किसका डर है आपको। हाँ वो जाइए पूजा के पास, पूजा इतनी अच्छी है कि हम क्या ही बताएं। पूजा पे तो यही पैसा मुझे दे देते तो हम खुद तुमको साड़ी दे देते अम्मा। बताइए ये लोग साड़ी खरीदते हैं फ्रेंड मेरे पास ऑलरेडी साड़ी। हम बोले पैसा, मेरी दीदी साड़ी खरीद रही है, हम बोले पैसा मुझे दे दो मैं साड़ी तुमको दे दूंगी, मेरे पास बहुत साड़ी है। अभी भी टाइम है, वापस हो सकता है, पैसा ला हमको दो। आपकी साड़ी पसंद भी तो आनी चाहिए ना सामने वाले को। कोई बात नहीं भाई, पहनेगी नहीं, पहनेगी नहीं, उसकी मर्जी, जालीदार कुर्ती। कोई बात नहीं पहन सकती है, मम्मी कैसन चढ़ा दे कि दोनों टाइम बजन्ना बजन्नी हुई। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आप सभी को ये मेरी ब्लॉग वीडियो, छोटी सी प्यारी सी, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर आइएगा मेरे नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में देखने और लाइक कमेंट करने। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। बाय बाय, टाटा।